नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चित्रकूट से बड़ी खबर आ रही है, निखत अंसारी की गिरफ्तारी मामला है। चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक सागर सस्पेंड, जेलर डेप्यूटी जेलर समेत 7 लोग निलंबित किए गए हैं। अशोक सागर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। 5 वार्डर को भी सस्पेंड किया गया है, कुल 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चित्रकूट से आ रही है। निखत अंसारी की गिरफ्तारी मामला है। चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक सागर को सस्पेंड किया गया है। जेलर डेप्यूटी जेलर समेत 7 लोग निलंबित किए गए हैं। अशोक सागर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। 5 वार्डर को भी सस्पेंड किया गया है, कुल 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चित्रकूट से आ रही है। निखत अंसारी की गिरफ्तारी का ये मामला है और क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक वो हम आपको बता रहे हैं। चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक सागर को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही साथ जेलर और डिप्टी जेलर समेत 7 लोग निलंबित किए गए हैं। अशोक सागर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। 5 वार्डर को भी सस्पेंड किया गया है, कुल 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो जेलर अशोक सागर को सस्पेंड किया गया है। निखत अंसारी की गिरफ्तारी का यह मामला है। चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक सागर को सस्पेंड किया गया है। जेलर डिप्टी जेलर समेत 7 लोग निलंबित किए गए हैं और अशोक सागर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। 5 वार्डर को भी सस्पेंड किया गया है, कुल 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। विशाल, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि पहले ही डीआईजी जेल प्रयागराज को जो है जांच जो है कमेटी के लिए गठित करने के लिए कह दिया गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बता दें कि आपको कि कुल जेल अधीक्षक अशोक सागर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ जेलर, ठीक है विशाल, रहिए। आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीजी जेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। आनंद जी, क्या इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, इस दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटित हुई है और ये एक अपवाद स्वरूप घटना है, इसमें उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है और वहाँ के चित्रकूट के जेल अधीक्षक को सस्पेंड करने के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि डीआईजी रेंज वहाँ के श्री शैलेंद्र मैत्रे ने जांच की थी प्रथम दृष्टया। उन्होंने 5 वाटर संवर्ग के कर्मचारियों को दोषी पाया है, वहाँ के जेलर संतोष कुमार को दोषी पाया है और साथ ही प्रभारी डिप्टी जेलर पीयूष पांडे उनको दोषी पाया गया है। अधीक्षक के अलावा बाकी सारे संवर्ग की सस्पेंशन की कार्रवाई हो रही है और हो गई है और साथ ही साथ अधीक्षक के सस्पेंशन के लिए पत्र शासन को भेजा जा रहा है। आनंद जी, कुल कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है और आगे से ऐसी लापरवाही ना हो या ऐसे काम ना हो, इसके लिए भी कुछ एडवाइजरी जारी की जाएगी है आपकी तरफ से? देखिए, इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के कारागार में, ये एक अपवाद की घटना है, बहुत सालों बाद इस तरह की घटना हुई है और इसलिए जब ऐसी घटना हुई है तो उल्लेखनीय कार्रवाई, ऐसी नजीर की कार्रवाई की जाए जिससे कि ये मैसेज जाएगा और ऐसी ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की जेलों में ये एक अपवाद हुआ है, ऐसी घटना उत्तर प्रदेश की जेलों की व्यवस्था बहुत ही कानून के हिसाब से चल रही थी, लेकिन ये दुखद घटना हमारे लिए है और ये देश ने शर्मसार किया है जेल तंत्र को, इसलिए इसमें बहुत कठोर कार्रवाई की जा रही है। कुल 8 लोगों को सस्पेंड किया है, 7 लोगों का सस्पेंशन हो गया है, अधीक्षक के सस्पेंशन की स्तुति शासन को भेजी जा रही है। बहुत शुक्रिया आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो 7 लोगों का सस्पेंशन हो गया है और 1 की संस्तुति की गई है। यहाँ पर विशाल, देखिए डीजी जेल बता रहे हैं कि ये एक अपवाद है और बहुत सालों बाद ऐसी घटना हमारे सामने आई है और आगे ऐसा ना हो तो ये कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ साथ अब्बास अंसारी की जो जेल है उसको बदलने के लिए शासन को लेटर जारी कर दिया गया है और माना जा रहा है कि आज शाम तक जो है शासन की तरफ से जो निर्देश है वो जारी कर दिए जाएंगे और कल हो सकता है कि अब्बास अंसारी की जो जेल है वो ट्रांसफर कर दी जाए। क्योंकि अगर आपको बताते हैं, इस पूरे मामले को लेकर जो जेल अधीक्षक हैं अशोक सागर, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो जेलर हैं संतोष कुमार, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी जेलर पीयूष पांडे और 5 बंदी रक्षक को भी सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ सभी के खिलाफ
जिला विभागीय जांच करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जेल के अंदर जहां पर जेल मैन्यूल्स होता है, इसके साथ साथ जो कैदियों से मिलने के लिए जो एक पूरी प्रक्रिया होती है उनका पालन नहीं किया गया, उसके बाद ये पकड़ में आया। और तो यही वजह है तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर अब फिलहाल बिल्कुल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।